तो मैंगो प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही जिद्दी प्लांट है। अगर आप ग्रो करने के लिए बहुत सारे केमिकली फर्टिलाइजर दोगे, बहुत सारे खाद दोगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। मैंगो की प्लांट अपनी मर्जी से ग्रो होता है। तो ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो अपनी मर्जी से ही ग्रो होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मैंगो की कटिंग की ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। मैंगो की कटिंग को हम बहुत ही आसानी से कैसे ग्रो कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम लोग भी कटिंग करते हैं, मैंगो की कटिंग वो ग्रो नहीं हो पाता, कुछ दिन में मर जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग भी बहुत ही आसानी से मैंगो की कटिंग आप ग्रो कर सको। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेस्ट सॉइल, जो जिसमें नमी होनी चाहिए, ऐसी सॉइल चाहिए। और ये आप देख सकते हो इसमें 50% कोकोपीट और 50% रिवर सैंड है। मैं सभी कटिंग इसी सॉइल में ग्रो करता हूँ। ये सभी कटिंग के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल होता है। और इसके लिए हमेशा ये एक स्मॉल पॉट, ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे होल है नीचे, तो ऐसी पॉट में हमें कटिंग लगाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मैंगो की जो ब्रांच होता है उस पर फंकस जो है वो बहुत ही जल्दी लग जाता है, इसीलिए हमें चाहिए सल्फंगिसाइड। इस पे मैं कोई भी रूटीन हार्मोन नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मैंगो प्लांट को फंगस से बचा के रखेंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ ये साल्फ फंगिसाइड, इससे फंगस नहीं लगेगा। तो इसी की वजह से मैंगो की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। और मैंगो की कटिंग ग्रो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो रूट है वो निकलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ब्रांच जो ब्रांच है वो 1-1.5 महीने में निकल जाता है, लेकिन रूट निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो मेरे चैनल में ऐसा बहुत सारे वीडियो है जो 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ है। आप लोग चाहो तो चैनल में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो। काफ़ी सारे मैंगो की नए नए टेक्निक से मैंने मैंगो की कटिंग ग्रो किया है, और सभी वीडियो 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ये जो नीचे का हिस्सा है इसको पानी से ऐसे भिगो दूंगा, और ऊपर ऊपर भी मैं ऐसे पानी से भिगो दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो साफ फंगिसाइड है इससे ब्रांच को ऐसे जहाँ पर मैंने सिल के उतार दिया है वहाँ पर ऐसे लगा दूंगा। इससे क्या होगा, प्लांट पर फंकस नहीं लगेगा, जो ब्रांच है उस पर फंकस नहीं लगेगा, और बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, खास करके मैंगो की कटिंग आप ग्रो कर रहे हो तो नीचे भी मैंने लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। तो चारों तरफ मैंने लगा दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ऊपर भी मैं लगा दूंगा यहाँ से ऐसे, क्योंकि ऊपर से भी फंकस लग जाता है। तो ऊपर भी मैंने लगा दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सॉइल है, जो सॉइल मैंने बनाया है ऐसे थोड़ी सी मात्रा में ऐसे पॉट में ऐसे डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद सॉइल को ऐसे थोड़ी सी दबा देंगे। ये आप देख सकते हो सॉइल को मैंने थोड़ी सी दबा दिया है। अब मैं इस कटिंग को ऐसे रख दूंगा, और उसके बाद मैं ये सॉइल इस पर भर दूंगा। और सॉइल को ऐसे थोड़ी सी हाथ से दबा दूंगा, क्योंकि जो कटिंग है वो बहुत ही बड़ा साइज का है, इसी की वजह से मैं सॉइल को थोड़ी सी दबा दे रहा हूँ ताकि कटिंग नहीं हिल पाए। तो दोनों हाथ से मैं दबा दूंगा ऐसे, मैंने सॉइल को दबा दिया है, बस अब देख सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, इस पर पानी दे दूंगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पानी देंगे, और उसके बाद पानी नहीं देना है, क्योंकि जो सॉइल मैंने बनाया है उसमें 50% कोकोपीट है, और कोकोपीट पानी को स्टोर रखता है। अगर आप रोज़ पानी दोगे तो जो कटिंग है वो सड़ जाएगा, और दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब कटिंग ग्रो ना हो जाए तब तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये पॉलीथीन से ढक देंगे ताकि जो बाहर का हवा है वो अंदर ना जा सके। तो पॉलीथीन से ढकना बहुत ही ज़रूरी होता है,
तो इसको मैंने पॉलीथीन से ढक दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब तक ये ब्रो ना हो जाए तब तक मैं इसको छांव में रखूंगा, और 20-20 में से पॉलीथीन को हटा के नहीं देखना है। तो जब तक ये ग्रो ना हो जाए तब तक मैं इसको ऐसे ही छांव में रख दूंगा, और जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंगो की ऊपर आपको जो भी काम करना है मार्च से आप अगस्त तक कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम में मैंगो की ग्रोथ की सीजन होता है। आप कटिंग कर सकते हो, या लेयरिंग कर सकते हो, या फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हो, या फिर रिपोर्ट कर सकते हो। यही जो टाइम है मैंगो की ग्रोथ की सीजन होता है, इसी टाइम पे आपको जो करना है इसी टाइम पे करना है, और बाकी सीजन में आपको नहीं करना है, क्योंकि बाकी जो सीजन होता है उसमें मैंगो की जो प्लांट होता है वो क्या करता है, ग्रो नहीं करता, वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही मार्च महीना शुरू होता है तो मैंगो प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो मैंगो प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही जिद्दी प्लांट है। अगर आप ग्रो करने के लिए बहुत सारे केमिकली फर्टिलाइजर दोगे, बहुत सारे खाद दोगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। मैंगो की प्लांट अपनी मर्जी से ग्रो होता है। तो ये एक एकमात्र ऐसा प्लांट है जो अपनी मर्जी से ही ग्रो होता है। तो इसी की वजह से आपको जो भी काम करना है मैंगो के ऊपर तो आप मार्च से अगस्त तक कर सकते हो। तो ये महीने में मैंगो की ग्रोथ की सीजन होता है। तो फ्रेंड्स जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जो कटिंग मैंने लगाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो गया है, ये आप देख सकते हो, और काफ़ी हेल्दी ब्रांचेस निकल गया है, और एक ब्रांच में से फूल भी निकल गया है, ये आप देख सकते हो। तो कुछ दिन में ये मैं फूल जो है वो काट दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको रहने दूंगा तो हो सकता है प्लांट ग्रो ना करे, क्योंकि जो रूट है वो अभी तक नहीं निकला है मुझे, ये रूट जो है वो अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि मैंगो की रूट काफ़ी देर से निकलता है। तो अभी मैं प्लांट को बाहर, कटिंग को बाहर निकल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कटिंग को बाहर निकाल दूंगा तब भी ये ग्रो नहीं करेगा, और इसकी रूट जब निकल जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा वो वीडियो। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रूट जो है वो निकला नहीं है, और कटिंग को भी मैं नहीं निकल सकता। तो जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है, एक ब्रांच में से बहुत ही अच्छी तरह से फूल निकल गया है, और एक ब्रांच में से एक ब्रांच आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांच निकल गया है। तो इसी तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग भी बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएगा, और इसमें बहुत ही जल्दी फल भी आ जाएगा। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एक ब्रांच में से जो फूल है वो निकल गया है। तो अगर जब ये इसकी रूट निकल जाएंगे तो इसके मैं बड़ा पॉट में लगाऊंगा, तो एक साल के अंदर इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।